प्रश्न है, नाथू खेड़ी में लेखक की पटेल जी से घनिष्ठता कैसे हो गई? पाठ 4 शीतल छाया के प्रश्न तो कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न था कैसे घनिष्ठता हो जाती है। देखिए कैसे घनिष्ठता हो गई थी। जब मैं नाथू खेड़ी में स्टेशन मास्टर था तो वहीं भेंट हुई थी इनकी पटेल जी से। जब मैं नाथू खेड़ी में स्टेशन मास्टर था वहीं भेंट हुई पटेल जी से और कुछ ही दिनों में अत्यधिक घनिष्ठता हो गई थी। पटेल जी रोज़ाना अपने खेतों पर घुमाने ले जाते। खेतों में फूली सरसों को देखकर मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी है। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था, अतः भोजन पटेल जी के साथ ही रोजाना भेजते थे। मतलब जो पटेल जी थे वो रोजाना भेजते थे इनके लिए भोजन भी। तो यही कारण था जिसके कारण नाथू खेड़ी में लेखक की पटेल जी से घनिष्ठता हो गई थी जब वह स्टेशन मास्टर थे, क्योंकि पटेल जी उन्हें अपने खेतों पर पीली सरसों दिखाने के लिए ले जाते थे और उनके साथ उनके लिए डेली प्रतिदिन रोजाना खाना भेजा करते थे। तो इन्हीं कारणों से उनकी उनके साथ घनिष्ठता हो गई। तो लिखिए इसका उत्तर। पाठ 4 शीतल छाया। शीतल छाया सौ उत्तर लिखेंगे हम। पाठ 4 शीतल छाया का उत्तर लिखेंगे। लेखक की नाथू खेड़ी में पटेल जी के साथ घनिष्ठता इसलिए हो गई थी क्योंकि लेखक की नाथू खेड़ी में पटेल जी के साथ घनिष्ठता इसलिए हो गई थी क्योंकि जब वह स्टेशन मास्टर थे तब पटेल जी रोजाना उन्हें जब वह स्टेशन मास्टर थे तब पटेल जी रोजाना उन्हें तब पटेल जी रोजाना उन्हें अपने खेतों पर घुमाने ने के लिए ले जाया करते थे। क्योंकि इस क्योंकि के बाद ना यहाँ से पॉइंट 1 बनाओ, ये पॉइंट यहाँ लिखना है आगे। जब वह स्टेशन मास्टर थे तब पटेल जी रोजाना उन्हें खेतों पर घुमाने ले जाया करते थे। नंबर 2, पटेल जी लेखक के लिए प्रतिदिन भोजन भिजवाया करते थे। तो ये कारण है जिनके कारण लेखक की नाथू खेड़ी में पटेल जी के साथ घनिष्ठता हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए। पटेल जी
ने पत्नी के मरने के बाद सारा धन अपने लड़कों में क्यों बांट दिया? क्यों बांट दिया था उन्होंने अपना सारा धन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद? क्योंकि यहाँ पे था उन्होंने बोला कि घरवाले जब उनकी मर गई तो घरवाले की मृत्यु से मन ऐसा विरक्त हुआ कि ये सारा संसार जर जमीन जायदाद कुटुंब कबीला आदि सब उनको निस्सार लगने लगे। निस्सार मतलब जिससे कोई उनका अब लगाव ना रह गया था। सारे रिश्ते नाते मोह माया जीव सब झूठ और प्रपंच से लगने लगे थे उन्हें। उनसे छुटकारा प्राप्त करने का मन को मन बेचैन हो उठा था। बेचैन हो उठा था उनका मन जो था बेचैन हो उठा था। इसी यही इन्हीं कारणों से या इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की सारी नकदी जेवर जमीन जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी और कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दी। तो इन्होंने पूछा था प्रश्न कि पटेल जी ने पत्नी के मरने के बाद सारा धन अपने लड़कों में क्यों बांट दिया? तो क्यों बांट दिया था? क्योंकि उनका जो मन था वो विरक्त हो गया था। पटेल जी ने उत्तर दो पटेल जी ने पत्नी की मृत्यु के बाद सारी जमीन जायदाद पत्नी की मृत्यु के बाद सारी जमीन जायदाद जर लड़कों के नाम इसलिए कर दी थी क्योंकि उनका मन अब विरक्त होने लगा था लड़कों के नाम इसलिए कर दी थी क्योंकि उनका मन अब विरक्त होने लगा था। वह मोह माया रिश्ते नाते आदि उनको उन्हें झूठ प्रपंच लगने लगा था। मोह माया रिश्ते नाते सब उन्हें झूठ प्रपंच लगने लगा था। अगला प्रश्न है नीलिमा के चरित्र की तीन विशेषताएं लिखिए। तीन विशेषताएं बतानी है नीलिमा की। कैसी थी नीलिमा? बहुत ही जो दूसरों के दुख को देख के व्यक्ति दुखी हो जाता है, इतनी संवेदनशील थी वे। बड़ों के बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान था। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वह उन सारे कामों को बखूबी निभाती थी जो एक अच्छी बहू के नाते होने चाहिए थे। नीलिमा के चरित्र की तीन विशेषताएं सबसे पहले लिखिए। नंबर एक, प्रश्न तीन, नीलिमा के चरित्र की तीन विशेषताएं
नीलिमा के चरित्र की तीन विशेषताएं निम्न लिखित निम्नलिखित है। नंबर एक, नीलिमा के चरित्र की तीन विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर एक, नीलिमा एक संवेदनशील नीलिमा एक संवेदनशील महिला है। नंबर दो, वह बड़े बुजुर्गों के प्रति आत्मीय भावना रखती हैं। पटेल जी के द्वारा उन्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप बताया गया है, क्योंकि वह पिता से बढ़कर उनका मान सम्मान किया करती थी। तीन विशेषताएं हो गई उनकी। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस युक्ति से पटेल जी की सहायता की और नीलिमा की सेवा का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लेखक ने क्या युक्ति अपनाई थी? उत्तर, ये उत्तर ग था। उत्तर घ लिखेंगे। लेखक ने पटेल जी की सहायता के लिए निम्न युक्ति सुझाई। नंबर एक, लेखक ने पटेल जी की सहायता के लिए निम्न युक्ति सुझाई, कौन सी थी? उन्होंने क्या कहा था? मुझे 1.5 महीने के लिए ट्रेनिंग पर बाहर जाना है, घर पर नीलिमा अकेली रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वहां रहते तो मेरी ट्रेनिंग का समय 1.5 माह आराम से निकल जाता। आप जब ट्रेनिंग से आते ही मैं आपको यहां पर पहुंचा दूंगा। तो इसी कारण से वह उनके साथ चल देते। लिखिए इसका उत्तर। लेखक ने पटेल जी से कहा कि लेखक ने पटेल जी की सहायता के लिए नियुक्ति सुझाई। लेखक ने पटेल जी से कहा कि क्या सुझाई, क्या कहा था पटेल जी से? लेखक ने पटेल जी से कहा कि मुझे 1.5
माह के लिए, 1.5 माह के लिए ट्रेनिंग पर या ट्रेनिंग के लिए जाना है। अतः लेखक ने पटेल जी से कहा कि मुझे 1.5 माह के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना है, अतः ट्रेनिंग के लिए जाना है अतः मुझे अतः आप यदि इस समय पर घर पर नीलिमा के साथ रह लेंगे तो मेरा समय आसानी से कट जाएगा। ट्रेनिंग समाप्त होने के पश्चात मैं आपके अनुसार आपको यहाँ पे लगा कोमा अल्पविराम, मैं आपके अनुसार कोमा आपको पुनः यहाँ पहुँचा दूंगा। अब आगे प्रश्न था कि नीलिमा की सेवा का इन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नीलिमा की सेवा करके नीलिमा की सेवा भावना से पटेल जी की बिगड़ी खांसी ठीक हो गई थी। नीलिमा की सेवा भावना से पटेल जी की बिगड़ी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। झुर्रीदार चेहरे पर अब आभा झलकने लगी थी। तो ये सारे हुए थे कि नीलिमा के आने के पश्चात। अगला प्रश्न, लेखक ने पटेल जी को अपने साथ रहने को कैसे विवश किया। ऐसा करना लेखक के चरित्र की किस विशेषता को दर्शाता है। कैसे विवश किया, देखिए उत्तर लिखिए इसका, यहाँ देखिए। जब उन्होंने पूछा कि आप कैसी है, 1.5-2 महीने बाद जब वो आते हैं तो वो देखिए वो खूब प्रसन्न होते हैं। रात को आया था काका से, आप सो रहे थे उस समय, नीलिमा के साथ आपका समय कैसे कटा। यह तो साक्षात लक्ष्मी है भैया जी, पिता से बढ़कर सम्मान दिया इन्होंने मुझे पिता से बढ़कर। अब आप इजाज़त दो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो वह कहते हैं कि हम पराए हैं, आप हमें स्वयं पर बोझ समझते हैं। निरुत्तर हो गए और फिर बोले, ठीक है जैसी आपकी मर्जी।
उनकी आंखों में एक एक पानी का सैलाब उमड़ आया। माफ़ी चाहूँ बेटा, तुम लोगों की भावनाओं को मैं बहुत दिनों से अनादर कर तुम लोगों का मन दुखाता रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम मेरे बेटे बहू से भी बढ़कर हो, जुग जुग जियो। कहते हैं तुम ही मेरे असली बेटे बहू हो, और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने पटेल जी को अपने साथ रहने के लिए कैसे विवश किया, लेखक के चरित्र की विशेषता को दर्शाता है। तो इसको कविता लिखेंगे हम आप लो। लेखक ने पटेल जी को अपने साथ रहने को इसलिए लेखक ने पटेल जी को अपने साथ रहने को इसलिए विवश किया या इस प्रकार विवश किया इसलिए इस प्रकार लेखक पटेल जी को पिता से बढ़कर मान सम्मान दिया तथा लेखक ने कहा आप हम पर बोझ नहीं हो। ऐसा करना लेखक के चरित्र की किस विशेषता को दर्शाता है? ऐसा करना लेखक के संवेदनशील संवेदनशील संस्कार तथा एक अच्छे सद्गुण बेटे के भावों को दर्शाता है। क्या? तो ये सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। ऐसा करना लेखक के संवेदनशील संस्कार तथा एक अच्छे सद्गुण बेटी के भावों को दर्शाता है।